हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसेन रिएक्ट। सो मेरा नाम है सभी सोहेल एंड माय नेम इज तहर फारूक। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें बहुत महीने से इंतजार था, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं आर एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। तो उनकी मूवी आई है आर आर आर, जिसमें आलिया भट्ट, अजय देवगन और टू जो सुपर स्टार है साउथ इंडस्ट्री के, वो भी हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसा खास बात है, लोगों में इतनी ज़्यादा इंतजार था और बाहुबली इतनी मजे की थी, तब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई पे भी गई थी। बाहुबली बाहुबली ने मेरे ख्याल से पहली इंडियन मूवी है जिसने 1000 करोड़ से ऊपर की बिजनेस किया था। और अब देखते हैं कि उससे अच्छा क्या होता है, क्योंकि अगला साल हमेशा उससे बेहतर ही होता है पिछले वाले से। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ की हर जरूरत के लिए जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए। वो दरअसल गोंडों की बच्ची है। तो उनके सर पे सींग होते हैं क्या? एक गडरिया होता है। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए। एक आदमी है सर, से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी। खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, माँ की बहुत याद आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। वार करना होगा, जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। बहुत खतरा है, जान गवा दोगे? खुशी खुशी गवा दूंगे चाचा। अपनी जान ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे। बहुत मजे की भी, लार्जर देन स्केल, मतलब इसे कहते हैं, मतलब एक बाउंड्री से ऊपर की चीज होती है। बहुत मजे का था और हर टर्न पे ना एक अलग सी वाइब थी। आलिया भट्ट भी, अजय देवगन भी, और वो जो मतलब ये सीन था उसको मारे हंसते हैं ऐसे करके, बहुत जबरदस्त। और मुझे ना इस फिल्म के ट्रेलर को देख के ना कुछ छोटा मोटा टाइप ऐसा फील आया था कि ना ज्यादा इस पे फ्रेंडशिप पे भी फोकस हुआ। जैसे पहले वो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए, और एंड में जब एक हुए तो बहुत, जिसे वो कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कुछ इस तरह का इसमें हाल था। उम्मीद है कि ये मूवी भी अब नेटफ्लिक्स पे किसी जमाने में आ जाएगी, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, बहुत मजा आया। अब इंतजार है इसके गानों की, क्योंकि इसमें आलिया भट्ट है और आलिया भट्ट बहुत खूबसूरत है। न्यू एक अवतार में आलिया भट्ट, आलिया भट्ट हर जगह, चाहे उनकी राजी हो, चाहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, चाहे डियर जिंदगी हो, चाहे उनकी हाईवे हो, हर तरफ अलग ही उनके जलवे होते हैं। तो अब बहुत ही मजा आएगा, गानों का वेट है।
सभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके गानों के लिए कि अब इसके गाने रिलीज हों, हम उन पर भी रिव्यू करें ताकि उनसे भी हमें थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में पता चले कि आखिर ये मूवी हमें बताना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। जैसे आलिया भट्ट आई थिंक जब वो चाइल्डहुड थी, चाइल्ड में थी अपने, ठीक है, चाइल्ड एज में थी, तो वो किडनैप हो गई, इस तरह का था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आपस में ना लिंक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि जब अच्छा आलिया भट्ट थोड़ी बड़ी हुई तो उस पर दोबारा अत्याचार, उसको मारा पीटा गया, उस उधर कुछ इसी तरह का लिंक लग रहा है दोनों का। सो लेट्स सी कि क्या होता है, हमें भी इंतज़ार है, आपको भी जैसे इंतज़ार है बिल्कुल। सो आप तो पहले देख लेंगे, हमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मैं ठीक था या ताहिर ठीक था। सो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।